राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जन आक्रोश अभियान के तहत शुरू की गई जन आक्रोश यात्रा को कोरोना संकट के मद्देनजर स्थगित कर दिया था। हालांकि कुछ घंटे बाद पार्टी ने फैसले को बदल दिया और शाम में कहा गया कि रैली जारी रहेगी। दरअसल राजस्थान बीजेपी ने साफ कर दिया कि राज्य में जन आक्रोश यात्रा जारी रहेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया कि केंद्र की गाइडलाइन नहीं आने से कुछ असमंजस की स्थिति थी। हालांकि अब उन्होंने स्पष्ट किया कि जन आक्रोश यात्रा और सभाएं कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए जारी रहेंगे। एनआईए ने 22 दिसंबर को राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैया लाल की हत्या के मामले में 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिसमें 2 पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं। बता दें कि करीब 6 महीने पहले 28 जून को कन्हैया लाल की उनकी दुकान के भीतर एक धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने दावा किया था कि उन्होंने इस्लाम के कथित अपमान का बदला लेने के लिए कन्हैया की हत्या की थी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में युवा बेरोजगारों ने चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के आवास का घेराव किया। युवाओं की मांग कि चिकित्सा विभाग जल्द से जल्द लेबोरेटरी सहायक भर्ती की दूसरी सूची जारी करे। वहीं प्रदर्शन के दौरान चिकित्सा मंत्री खुद आवास पर मौजूद थे और उन्होंने युवाओं को आश्वासन दिया कि उनकी मांग जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएंगी। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार की घिनौनी हरकत के खिलाफ छात्र संगठनों ने आज विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। छात्र संगठन प्रोफेसर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस का भारी बंदोबस्त भी रहा। बता दें कि विश्वविद्यालय के बाहर सुबह से ही छात्रों का हंगामा चल रहा था और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय परिसर के आसपास डटे हुए थे। बता दें कि पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर गिरीश परमार और सहयोगी छात्र अर्पित अग्रवाल को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था। चीन में कोरोना रिटर्न ने एक बार फिर से हर किसी को हैरत में डाल दिया है। इसी के मद्देनजर भारत सरकार तमाम तरह के उपाय कर रही है। वहीं अब राजस्थान सरकार भी कोविड से बचने के लिए अलर्ट मोड पर आ गई। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने आज मीटिंग बुलाई थी, जहां प्रशासन ने तीसरे वेरिएंट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। वहीं जिला चिकित्सालय में सर्दी जुकाम के मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं। भयंकर ठंड और कोहरे के कारण दिल्ली सराय से जोधपुर को जोड़ने वाली रेल सेवा रद्द कर दी गई थी, लेकिन यात्रियों की मांग और रेलवे अधिकारियों की बैठक के बाद इस फैसले को निरस्त कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक सलासर एक्सप्रेस एक बार फिर से पटरी पर लौटेगी और अपने समय अनुसार संचालित होती रहेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने पिछले महीने 9 नवंबर को आमेर शहर की जिस सड़क को बनवाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों व कार्यकर्ताओं के साथ 3 किलोमीटर नंगे पांव चलकर पैदल मार्च और प्रदर्शन किया था। अब उस सड़क के नवीनीकरण के लिए आमेर तहसील से कुंडा तक राज्य सरकार ने बजट की स्वीकृति दे दी है। बता दें कि वो सड़क 2,25,00,000 की लागत से बनेगी। सड़क की राशि स्वीकृति के लिए वहाँ की जनता और कार्यकर्ताओं ने सतीश पुनिया का आभार जताया है। सड़क की राशि स्वीकृति के लिए वहाँ की जनता ने सतीश पुनिया का आभार जताया है। राजस्थान में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को गले लगाकर एकजुट करने की काफी कोशिश की थी। यात्रा के दौरान राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक दिखने भी लगा था, लेकिन यात्रा के राजस्थान से बाहर निकलते ही एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस में बवाल मच गया है। इस बार अशोक गहलोत पर हमला सचिन पायलट ने नहीं बल्कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने बोला। चौधरी ने बाड़मेर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में तीसरी पार्टी सीएम गहलोत ही खड़ा करवा रहे हैं। पूर्व सीएम श्रीमती वसुंधरा राजे के गोद लेने के बाद जोधपुर जिले के भूंगरा गांव गैस पीड़ितों को राहत मिलना शुरू हो गया है। यहां लोगों के रहने के लिए
बड़े बड़े आवासीय कंटेनर पहुंच गए जिनमें बेड और कुर्सियों के अलावा बाथरूम भी अटैच। लोगों में भोजन सामग्री के पैकेट भी वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या मदद की जानी चाहिए इसका सर्वे भी श्रीमती राजे द्वारा बनाई गई कमेटी करने लगी।